तो घनमूल बताना तो आप लोगों को, बहुत से लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को ना आता होगा, जिनको नहीं आता वो देखेंगे विशेष। घनमूल में हमारा जो पहला नंबर है साथियों वो है 2744। क्या है? 2744 मतलब 2744 का घनमूल बताना है। कोई बताएगा कितना आएगा? ऑप्शन दे दे रहे हैं, जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन 12, 14, 16 और डी वाला है 22। कोई बताएगा इसका घनमूल क्या आएगा? कोई बोलेगा जल्दी से कमेंट करके बताओ, उसके बाद अगर नहीं आता तो हम बता रहे हैं। विशाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भावना साख्या जी जुड़ चुकी हैं, अनिकेत जी जुड़ चुके हैं, सौरभ सुधांशु और भी बहुत से स्टूडेंट से जुड़ चुके हैं, जिसमें से अगर बात करें तो शंभू जी भी जुड़ चुके हैं। चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 14 आएगा, 14। कैसे आएगा, क्यों आएगा? देखिए हम लोग ऐसे इसका फैक्टर निकालते हैं दिए गए नंबर का, ये गुणनखंड, ठीक है? दो से काटोगे पहले कटेगा ही दो से, बोलो यस या नो। आवाज वगैरह तो ठीक है ना यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो बाद में वैसे चल जाए। ठीक है, मस्त है एकदम। आवाज ठीक है ना? एकदम ठीक है। चलिए तो इस तरह से अगर इसको हम काटेंगे तो 2 1 2, ये 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4। गुणनखंड करना जानते हो ना, हर कोई फैक्टर निकालना। फिर इसको करोगे तो 2 6 12 और ये हो जाएगा कितना, 2 8 16, 2 6 12। बोले यही होगा ना? कोई समस्या हो तो बता देना, ये करना आप लोग जानते हो, इसको नहीं बताना है ना? जानते हो ना? 3 से काटोगे 3 1 3, देखो ये कट जाएगा बट पूरा नहीं कटेगा, तो ये 7 से कटेगा, 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49। ये देखो आ गया ना। हमें क्या करना है, हमें घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए साथियों क्या करते हैं, इधर साइड में देखना, जो नंबर दिया गया है उस नंबर के जो भी गुणनखंड आए हैं, फैक्टर आए हैं, उनको ऐसे लिख लेते हैं। कहाँ लिख लेते हैं? अंडर रूट के अंदर, और उस पे क्यूब जो है, ये क्यूब का साइन ऐसे लगाते हैं, ऊपर 3 भी लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, घनमूल निकालना है। फिर क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं नंबर में। ये देखो इस पेयर से 1 2 बाहर निकल जाएगा, दूसरे वाले पेयर से 1 7 बाहर निकल जाएगा, इस तरह से 14 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना? जल्दी से बोलो यस। और तुरंत जितने भी छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं इस सेशन को लाइक कर दें जल्दी से। तो ये हो गया घनमूल का बेसिक कॉन्सेप्ट, समझ गए आप ना? समझ गए? मोनू कुमार जी राम राम, अनुराग कुमार जी बताइए और कैसे हैं, सब कुछ ठीक है ना? जल्दी से आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, ये सवाल हो चुका, आगे चले। अब घनमूल कर लोगे आप सभी लोग, घनमूल कर लोगे ना, इसी तरह से एक दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, बाकी कर लेना। 7000 नहीं छोटा हो जाएगा, 74000 लिखिए, 74,088। वाट इज द क्यूब रूट ऑफ, वाट इज द क्यूब रूट ऑफ 74,088? कोई बताएगा? कोशिश करिए, ना आएगा तो हम बताएंगे। यस या नो बोलते रहिए, जो भी आए बताते रहिए। इसमें अगर हम आपको ऑप्शन दिखाएं तो ऑप्शन तो ढेर सारे मिल जाएंगे आपको, है ना? 41, 38, 42 और 37, इसमें से कोई एक होगा। जल्दी से बोलिए। रामफूल गौड़ जी जुड़ चुके हैं, नीरज यादव जी जुड़ चुके हैं, जिनको जिनको नहीं आता वो ये नो नो लिखकर कमेंट करें, जिनको आता है वो बताएं। इधर साइड थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है इसलिए हम इधर दिखा दे रहे हैं, अब ठीक है ना? चलिए बोलते रहिए, जल्दी जल्दी से फटाफट बोलते रहिए। क्या आएगा बताइए, कोई भी बताए। साथियों देखिए इसका पहले गुणनखंड करोगे आप लोग, कमेंट करके कुछ ना कुछ तो बोलते रहो ना, कौन कौन इसका फैक्टर कर लेगा और कौन नहीं कर पाएगा बताइए, कौन कौन नहीं कर पाएगा? सभी लोग कर लोगे ना फैक्टर? थोड़ा सा रुकना है, 1 मिनट, 1 मिनट से कम ही रुकना है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा रुकना है, कुछ सिस्टम बनाना है, थोड़ा सा रुकना बस।
इधर साइड में थोड़ा सा नीचे चमक रहा है ना। शायद अब वो प्रॉब्लम दूर हो गई होगी, है ना? दूर हो गई ना, इधर साइड से कुछ चमक रहा था हल्का फुल्का, है ना? चलिए, तो ये तो आप लोग कर ले जाओगे। एक और बता दें क्या? बता दें, चलिए बता ही देते हैं। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि बता नहीं रहे हैं। ये लो, इसको ऐसे लिख दिया, फिर इसके क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। जी बिल्कुल, बहुत सही कमेंट किया राम फूल गौंड ने, 42 आएगा। विराट जी क्वालिटी को चेंज कर लो बाबू, एकदम अच्छा दिखेगा। 42 आएगा इसका आंसर। दो से काटोगे, दो तिया छा, 214 जीरो, 2 4 8, 37 44 आएगा। ठीक है, फिर दो से काट दो, दो एक कम दो, 2 8 16, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4, 18522 आएगा। फिर दो से काट दीजिए, जिनको फैक्टर नहीं आता कमेंट करना, एकदम शुरू से देखना, जिनको ये नहीं आता काटना पीटना, गुणनखंड कर रहे हैं फैक्टर। दो से काटोगे, दोनों 18, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, कितना आया, 9261। अब साथियों ये एक क्या आ गई, एक विषम संख्या आ गई। क्या आ गई? एक विषम संख्या आ गई। साउंड में वाइब्रेट हो रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है कुछ हो रहा है। साउंड तो एकदम ठीक है। देखिए भाई, फालतू का फर्जी कोई भी कमेंट ना करिए कि कुछ गड़बड़ है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। 3 से डिवाइड होगा अब ये, तो 3 3 9, 3 8 24, और फिर कितना आएगा पता है? कुछ गड़बड़ है क्या? 3 3 9, 3 8 24, आप काट के देख लो कितना आएगा। देखो सिंपल सी बात है, 92 और 61 को क्या करना है, 3 से भाग करना है। ये कैसे आएगा, कितना आएगा, वो यहाँ पे क्लियर करके दिखा देते हैं। साइड में देखो, 92 61, 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, सबट्रैक होगा, 0 आएगा ना, कितनी बार जाएगा कोई बताएगा? फिर क्या करेंगे, ऊपर से हम उतारेंगे क्या, 2, लेकिन इसमें भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, ऊपर 0 बढ़ा करके 26 उतार लेंगे। अब इसमें भाग 8 बार जाएगा, 24 आएगा, 2 1 7, 3087, कितना आएगा, 3087। बात समझ में आई ना? नहीं आएगा तो बता देना तुरंत। अगर आप 3 का इसमें गुणा करोगे तो आ जाना चाहिए, बस तब सही है, नहीं तो नहीं सही है। फिर इसको 3 से काटोगे, 3 1 3, फिर 0, 3 2 6, 3 9 27, फिर 3 से काटोगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, 3 से अब कटेगा नहीं है, नहीं कटेगा 3 से, किससे कटेगा फिर? फिर ये कट जाएगा 7 से, 7 4 28, 7 9 63, ये 7 7 49, और 7 1 7। इस तरह से देखिए इनके फैक्टर हो गए। 2 से डिवाइड किया तो 37044 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 18522 आया, 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3087 आया। इस तरह से एक एक को डिवाइड करते गए, लास्ट में रिमाइंडर वन आ गया, और जब ये लास्ट में वन आ जाता है तो वहीं पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह से इसका कंप्लीट फैक्टर हो गया 74,088 के फैक्टर आ गए। और जब फैक्टर आ जाते हैं तो इनके क्यूब रूट निकालना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे हो जाता है, इधर साइड में देखिए, इसको अब हम मिटा सकते हैं। 42 आंसर आएगा, सभी जान चुके हैं, लेकिन कैसे आएगा वो हम दिखा रहे हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, ये 74,088 लिख के इस पे लगा देंगे क्यूब रूट का साइन, इतना सभी को समझ में आया होगा, बराबर मतलब इक्वल करके जो जो आए हैं फैक्टर इनको लिखेंगे, जो जो आए हैं, देखो नीचे मैं लिख रहा हूँ, जगह नहीं, ये अगर आप ध्यान से देखिए तो 3 × 2 आया है, 3 × 2 का मतलब 3 × 2 = 2 आया है, हो गया। फिर नीचे देखिए, 3 टाइम में 3 आया है,
थ्री टाइम मतलब तीन बार, तीन तीन से कटा है तो ये तीन बार। उसके नीचे देखिए तो थ्री टाइम सेवन से कटा है, तीन बार सेवन से तो ये तीन बार सेवन भी हो जाएगा। बस इतना ही लिखना था इसमें जो भी दिया गया था। अब थ्री थ्री डिजिट का ये पेयर बन जाएगा और वन वन पेयर से वन वन डिजिट हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। मल्टीपल करोगे टू थ्री जा सिक्स, सेवन जा 42, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 74,088। बात समझ में आई ना? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो निसंकोच बोलिए, तुरंत तुरंत बोलिए, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के बोलिए। और नहीं डाउट है तो जल्दी से इस सेशन को लाइक करिए, तुरंत लाइक करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये घनमूल वाला लफड़ा खत्म हो गया। हाँ, अब हम नया अभ्यास में चलेंगे। पांचवा सवाल में देख लेते हैं, थ्री का बी का पांचवा। ये अभ्यास थ्री बी चल रहा था, थ्री बी चल रहा था, थ्री ए लिखा था क्या ऊपर? थ्री ए तो पहले ही खत्म हो गया है। जल्दी से सभी सेशन को लाइक करें तुरंत। देखिए बार बार ये सब बोलने से टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आप लोग ऐसा ना करें कि हमें बोलना पड़े। समझदार हैं आप सभी ना? एक्सरसाइज थ्री का बी क्या है? एक्सरसाइज थ्री का बी, ठीक ना? तो क्वेश्चन नोट करिए, थ्री का बी क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। कंपटीशन में भी ऐसे सवाल आते हैं। 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, बताइए कोई तरीका जानता है? कोई तरीका जानता है इस तरह का सवाल कैसे करते हैं? अनुराग जी बताइए क्या दिक्कत हो रही है आपको? नीरज कुमार, विराट अशोक, रामफूल गौण, सभी को समझ में आ रहा है ना? मस्त दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? लव लाइक जी, गुड आफ्टरनून, बताइए और कैसे हैं आप? चलिए देखिए, कह रहा कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। पहले तो हम पूर्ण घन का मतलब इसका हमें घनमूल निकालना है, लेकिन ये याद रखना है कि इसका घनमूल आएगा नहीं पूरा पूरा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें किसी संख्या से भाग देना पड़ेगा तभी पूर्ण घन होगा। और कैसे, चलिए ट्राई करते हैं। हल, इस नंबर का पहले आप फैक्टर कर लो। नंबर क्या है? 2096। फैक्टर करके अगर आप देखेंगे तो आएगा दो एक कम दुई, दो चौक आठ, दो अठे सोलह, दो पंचे दस, दो दूना चार, दो चौक आठ, दो दूना चार, दो छंग बारह, दो दूना चार, फिर दो से काटोगे तो 131। बात समझ में आ रही ना? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? इसके बाद इधर इसका पेयर बनाओगे। पेयर में देखो दो 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 तीन बार, और फिर क्या है लास्ट में? एक दो है और क्या है? 131 है। साथियों, कोई भी संख्या पूर्ण घन तब होती है जब उसके कंप्लीट पेयर बन जाएं। तीन तीन का मतलब बनाना है पेयर, तो तीन तीन के पूरे पेयर बन जाना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अगर हम इसमें पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, जोड़ा बनाने की, देखिए दो दो का एक जोड़ा बन जा रहा है, लेकिन इसमें एक बेरोजगार बच रहा है, दो और तीन, 131 दो गिनती बच रही ना, उसका मतलब कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो सोचिए, गेस करिए, अगर ये गिनती यहाँ ना होती तो ये पूर्ण घन बन गया था। बोलो बन गया था कि नहीं? अगर ये यहाँ पर गिनती ना होती तो ये पूर्ण घन बन गया कि नहीं, बोलो जल्दी से। बन गया था ना, यानी कि इसका उत्तर दो आ जाता, आ जाता ना। लेकिन ये लटक के इसके साथ में लफड़ा कर रहा बगल में, है ना, इसी वजह से
पूर्णघन नहीं बन रहा है। तो कह रहा था कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दिया जाए कि ये पूर्णघन हो जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दें कि पूर्णघन हो जाए। ऐसे तो नहीं काट सकते कि मिटा दें जल्दी से, बस कोई नियम कानून से ही तो चलते हैं ना। तो सोचिए, गेस करिए, अगर इसको हम 2 गुणा 131 से भाग दे दें तो ये कट जाएगा कि नहीं, बोलो कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा ना। यानी अगर इसको हम 2 गुणे 131 से भाग दे दें तो ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा तो मतलब ये पूर्णघन बन जाएगा। बोलिए है ना सही। यानी कि ये दोनों फालतू के बच रहे हैं, और इतने से अगर हम इसको भाग दे दें पूरे में तो जो बचेगा वो पूर्णघन हो जाएगा। अब लिखिए नीचे उत्तर आ गया आपका 2 गुणे 131, इसका उत्तर होगा 2 गुणे 131 का मतलब 262, मतलब 262। नीचे लिखिए, यहां यहां 3-3 अंकों के जोड़े, इसको लिख लीजिएगा लाइन जो मैं बोल रहा हूं, यहां 3-3 अंकों के जोड़े बनाने पर हम देखते हैं कि, यहां 3-3 अंकों के जोड़े बनाने पर हम देखते हैं कि 2 गुणे 131 का जोड़ा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। अतः यदि हम 2 गुणे 131 से दी गई संख्या में भाग दे दें तो भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। बात समझ में आई ना, बस इतना ही करना था। लिख लीजिएगा, हम पूरी बातें लिख नहीं रहे, जो बोल रहे हैं उसको सुन सुन के जिनको पढ़ना है वीडियो को रोक रोक के कॉपी में लिखेंगे, ठीक ना। बात समझ में आ रही। चलिए ये हो गया, यानी कि अगर इस संख्या में मतलब 2096 में हम 262 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा पता है आपको? क्या आएगा? 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। 8 क्या है? एक पूर्णघन संख्या है। बस यही उत्तर हो गया, 262 आंसर हो गया। चलिए आगे चलें। विराट अशोक, रूट का घन पूरा सीख लिए हैं आपके वीडियो से, रचना और क्षेत्रफल बताइए। शंभू जी, लाइव कितना बजे शुरू करते हैं? शंभू जी, टाइम सुबह 5 बजे का है, लेकिन आज हमारे कुछ जो पेड स्टूडेंट हैं वो बहुत परेशान थे, इस वजह से हमें काफ़ी कंप्लेन मिल रही थी, तो हमने सोचा कि आज उनकी प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया जाएगा, है ना। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबरों पर संपर्क करिए। कुमारी उमा, रोहित विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और लव लाइक जी, आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। एक सवाल इसी तरह से और है, उसको आप लोग खुद बताइए क्या आएगा इसका आंसर, सलूशन क्या होगा, जवाब दीजिए। जैसे अभी हमने किया 2096 वाला ना, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, वैसे छठा नंबर बताइए आप सभी। 281,216 क्वेश्चन नंबर छठा है, 281,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्णघन हो जाए? बताओ कौन कौन कर लेगा, यस या नो, जल्दी से बोलो। कह रहा है इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से, किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या का भाग करें, का भाग करें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। बताओ कर लोगे ना, हर कोई कर लेगा ना। देखिए, जैसे अभी हमने पांचवा किया वैसे ये भी होगा। इस संख्या में किस छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या का भाग करें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, क्या करोगे?
इसका गुणनखंड कर लेना है, फैक्टर निकाल लेना है, तीन तीन के जोड़े बनाना है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, जो अकेला बचेगा उसी का गुणा करके जो उत्तर आएगा वही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना? सुमन मौर्य जी बताइए, समझ में आ रहा ना आप सभी को? रामफूल जी आपको भी आया? इसको कर लेना सभी घर से, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये नंबर नोट कर लो जल्दी से। 281,216, 281,216। क्वेश्चन नंबर ये हो चुका है, अगला देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, सातवां नंबर कह रहा है कि 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए? गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, सातवां। 9000 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए? क्वेश्चन नंबर सेकंड जिन लोगों ने पढ़ा है इस एक्सरसाइज का, वो कर लेंगे सेम वैसे है। इसमें क्या करना है, इसमें जब आप जोड़ा बनाओगे तो जो लास्ट में बच जाता है, देखो जैसे अभी हमने जो लास्ट सवाल किया था उसमें यही बचा था, उसमें देखो इसका जोड़ा बन गया था, ये दोनों बचे थे ना, तो क्या करते थे हम, इन दोनों को उत्तर लिख देते थे कि अगर इन संख्याओं से भाग कर देंगे तो भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं करना है, कह रहा कि किससे गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए, मतलब इनकी जोड़ी बना देना है, इनको हटाना नहीं है। तो इनकी जोड़ी कैसे बनेगी, इनकी जोड़ी तब बनेगी जितना ये संख्याएं छूट रही हैं उतना से ही इसमें गुणा भी करोगे, ये एक दो गुणा 131 से इसमें क्या करोगे, गुणा करोगे, तब क्या होगा, ये तब भी पूर्ण घन बन जाएगा, चाहे तो उसमें उतने से भाग कर दो तब भी पूर्ण घन बन जाएगा, चाहे तो उतना मतलब भाग कर दो या गुणा कर दो, दोनों करने से हो जाएगा। बात समझ में आई ना? चलिए अब इसका भी जोड़ा बन जाएगा, देखो दो दो का एक जोड़ा बन जाएगा, इसमें से 131 का एक बन जाएगा, फाइनल में दो गुणा 131 आ जाएगा, ये भी देखो एक उत्तर आ गया। तो चाहे तो आप उसका गुणा करिए या करिए भाग, दोनों मतलब स्थिति में पूर्ण घन हो जाएगा। इस तरह से ये भी खत्म हो गया। आठवां नंबर सवाल में आप लोग कर लोगे सेम ऐसे ही है, नौवां नंबर जो है नाइन्थ नंबर सवाल वो अलग है, नाइन नंबर हम बताएंगे, 3B का 9, ये माइनस में है, माइनस में 15625 घुड़ा है इसका 512 का घनमूल बताओ। है तो बहुत आसान, लेकिन ये माइनस का चिन्ह लगने की वजह से थोड़ा सा कठिन लग रहा है। कौन कौन कर लेगा इसको, जल्दी बोलो इसका घनमूल क्या आएगा, अगर हम आपको ऑप्शन दिखाएं तो आसान हो जाएगा ना। इसका घनमूल क्या हो सकता है, माइनस का 120 प्लस का 211 माइनस का 200 माइनस का 100, जल्दी बोलो 9 का ए सही है कि 9 का सी सही है कि 9 का बी है कि 9 का डी है, क्या है कोई तो बताए। अरे कोशिश तो करो यार, आए या ना आए ट्राई तो करके देखो, बता तो देंगे ही हम, लेकिन आप ट्राई तो करो पहले, बिल्कुल बताएंगे, ट्राई तो करो पहले, ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, गलत सही भगवान का नाम लेके तो बोलो कुछ ना कुछ। बताइए कुछ ना कुछ तो कोशिश करिए। सुना है ना वो कहावत, बैठे मिले खाने को तो कहे जाए कमाने को, जब सब लगवा ही देंगे तो आप लोग कोशिश काहे करोगे, है ना? तो ट्राई करते रहो, जल्दी जल्दी बताओ, कोई तो बताओ ना, कुछ तो बताओ। ए कोई ए नंबर ऑप्शन बता रहा है, और कुछ लोग लजा रहे हैं, शर्मा रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए नहीं आएगा मुझे पता है, जो भी होगा ठीक है। चलिए अगर ये माइनस ना होता तो फिर प्रॉब्लम होती ना आपको, ना होती निकाल लेते, ये सारी समस्या माइनस की वजह से है ना। देखिए मैं बता रहा हूँ,
इसका वर्गमूल घनमूल अलग से कर लो, इसका घनमूल अलग से कर लो, दोनों का गुणा कर दो, उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं। देखिए यह है -15625 इंटू है 512, इतना बात पक्का है। इसमें माइनस का लफड़ा है, इसको -1 अलग कर दो, और ये 15625 गुणे 512, बोलिए इतना तो कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। -1 हमने अलग कर दिया जिससे इसका कोई झंझट ना रह जाए। अब 15625 का घनमूल अलग से निकाल लो। 15625 आप जानते हैं 25 का घनमूल है ना, क्या 25 का घनमूल नहीं, 25 का घन है, मतलब इसका घनमूल जो है 25 आएगा। काट दीजिए, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 से काटो ये, इसको तो कर लोगे ना हर कोई। देखिए यहाँ पर अगर पेयर बनाएंगे तो 5 5 का 2 पेयर बनेगा। चलिए इसको कर लेते हैं, घनमूल निकालना था, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। -1 को तो बाहर कर दो तभी ठीक है। ये देखिए -1 जो था इसको हमने क्या किया, -1 से इसको गुणा कर दिया, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इसका घनमूल अब हम दोनों का अलग अलग कर लेंगे जिससे किसी को कोई झंझट ना लगे ज़्यादा। ये 15625 और ये 512, यहाँ पे 3 लगाना मत भूलना चूंकि घनमूल है, ठीक। अब देखो यहाँ पर 5 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं, मतलब 5 5 25, तो ये आ गया 15625 का 25 आ गया, बोलो सही है ना, समझ में आ रहा है ना। अरे यस या नो तो बोलते रहो, कम से कम इतने में तो कुछ नहीं देना ना। ये हो गया इसका। 512 का अलग कर लीजिए बगल में, उसी साइड में 8 आएगा ना करने पर, कितना आएगा इसका घन करेंगे अगर हम 8 का, तो 512 आता है, तो 512 का आप काट के देख लो। 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, फिर आएगा 32, फिर काटोगे 16 आएगा, फिर काटोगे 8 आएगा, फिर 4 आएगा, और फिर 2 आएगा, और फिर 1। देखिए घुमा फिरा के वही आया ना, आया ना। इसकी जोड़ी बना के देखो, 3 3 का 3 जोड़ा बनेगा, ओ सॉरी 2 2 का, मतलब 2 डिजिट बोल रहा हूँ मैं, और 3 3 मतलब बार शामिल है, तो 3 बार अगर गुणा करोगे 1 2 3, 2 का 3 बार गुणा करो, 2 2 4 2 8, ये कितना आ गया 8। इस तरह से 25 का 8 में गुणा करोगे हो जाएगा 200 -1 × 200, यानी कि फाइनल में कितना आएगा, -200। बात समझ में आई, लिख लीजिए, जिनको नोट करना है कर लीजिए जल्दी से। इतना बात समझ में आई ना, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी करें, क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिला किसी को, इसी वजह से लोग और नहीं जुड़ पाते हैं यार, ये भी मुसीबत है। ये जो शेयर जिसको कर दिया जाता है उसी को मिलता है बस। चलिए ठीक है, तो साथियों ये हो गया आपका क्लियर। अब हम आगे चलें, पंकज जी जुड़ गए हैं आप, अच्छा तो ये एक्सरसाइज 8 का B चल रहा है। जिनको भी मैथ सीखना है एकदम शुरू से, वो दिए गए नंबर पर संपर्क करें व्हाट्सएप पर, और क्लास को ज्वाइन कर लें जिससे उनको डेली क्लास मिले, मतलब वो हर दिन देख पाएं, चाहे तो लाइव क्लास या वीडियो क्लास किसी भी तरह से उनको मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अगला सवाल है 9 नंबर, आप लोग कर लोगे, हो गया। 10 नंबर है, माइनस में ये भी है, इसको तो हर कोई कर लेगा, 9 की तरह है, सेम टू सेम। 10 नंबर क्वेश्चन है, 3 का B
ये कह रहा है कि 1331 गुणा -1728 इसका घनमूल बताओ। बताइए इसमें कौन कौन कर लेगा। यस बोलिए, जो नहीं कर पाएंगे वो नो बोलें। जल्दी करें, लेकिन जल्दी बोलिए, तुरंत बोलिए यस या नो। आप लोग बहुत समझदार हैं, काफी अच्छे हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते इसलिए गड़बड़ हो जाते हैं। पंकज कुमार, सुमन मौर्या, विराट अशोक और बस इतने लोग। कुछ लोग ऐसे सर मार रहे हैं, बोल ही नहीं रहे कुछ हाँ या नहीं। अच्छा, ये बताइए अभी जो हमने बताया क्वेश्चन वो तो समझ में आया ना शंभू जी? आया समझ में कि नहीं? अरे भाई साहब ऐसे कर लो ना, ये 11 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 17, 18, 19 जो भी आएगा करके देखो ना। करोगे तो हो जाएगा। चलिए बता ही देते हैं, आप लोग का परेशानी है तो देखिए इसका क्या करना है। हमें घनमूल निकालना है 1331 गुणा ये -1728। इसे हम लिख सकते हैं -1 और गुणा ये 1331 और गुणा ये माइनस माइनस हट जाएगा 1728। चलिए अब तो सही है ना, इसको एक अलग कर दो, -1 अलग कर दो, या फिर चाहे तो -1 को भी अंदर में ले लो, तब भी उसका घनमूल निकालेंगे तो -1 ही आएगा। अगला लाइन में -1 इंटू ये 1731, यहाँ पे क्यूब है तो 3 लगाना, यहाँ पे 3 लगाना, 1728। क्या किया हमने, अलग अलग कर दिया, अब तो कर लोगे ना। चलिए इधर बता देते हैं, देखिए 1331 काटोगे 11 से, 11 एकम 11, और किसी से ना कटेगा, जो लोग किए उनको मालूम होगा, जो नहीं कभी किए उनको ना पता चलेगा। 11 दूना 22, 11 एकम 11, फिर 11 से काटोगे 11 ग्राम में 121, कितना आएगा? देखो ये -1 1331 की जगह पे आ जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11, ये क्या है, इसके गुणनखंड है ठीक। और फिर इंटू 1728 का भी फैक्टर करना पड़ेगा, 1728 का भी कर लेते हैं इधर साइड में। ये देखो इसको 2 से काट सकते हो आप, 1728 ही तो है ना, ठीक है। 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 ना कितनी बार जाएगा, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 ना 4, 2 2 ना 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2 मतलब 108। ये गुणनखंड ना आएगा तो बताना, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 कम 3, इतना बात क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब यहाँ पर हम इसको लिख नहीं सकते, बहुत बड़ा है, जगह नहीं है, इसलिए हम इधर साइड में कर देंगे। मोहम्मद आर्यन जी, क्या नाम है आपका, ये क्लास चल रही 3 बजे से, एक जोड़ा बन गया, देखो ये 2 जोड़ा बन गया और ये 3 जोड़ा बन गया। जोड़ा मतलब जानते हो ना, तीन तीन का पेयर बनाते हैं घनमूल में, यहाँ से 1 2 मिल जाएगा, यहाँ से 1 2, यहाँ से 3, बात समझ में आई? 2 2 ना 4, 2 3 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी कि इसका आंसर फाइनल में 12 आ जाएगा, इसमें एक पेयर बन जाएगा, तो ये -1 इंटू एक पेयर से 1 11 निकल जाएगा, ये 12, गुणा कर लो फाइनल में उत्तर हो गया 12 1 कम 12, हासिल आया 1 12 1 कम 12 1 13, माइनस का 132 आएगा, कितना आएगा, -132, नोट कर लीजिए -132 आएगा, कितना आएगा -132, ठीक ना। चले आगे, चलिए तो ये आपका 10 नंबर हो गया खत्म।
जिनको लिखना है वीडियो को पीछे करके लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सवाल को लगाने के बाद हम सामने से हटते हैं, उनको पूरा टाइम मिलता है। आगे चलें। ये अभ्यास जो है खत्म हो गया 3 कब भी। एक सवाल और है जिसको हम बताएंगे नहीं, आप लोग उसका आंसर बताओगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, 125 × 343। क्वेश्चन नंबर 11। अंडर रूट में है 125 × 343, इसका मान क्या आएगा? कोई बताएगा? कोई बताओगे? कोशिश तो करना ना। 35, 45, 75, 105। 35, 45, 105, 75। कोई बताएगा? यस या नो? देखिए आप कुछ भी कर रहे हैं, कोशिश करते हैं अगर तो चांस होते हैं होने के काम। जब कोशिश ही ना करोगे तो क्या होगा? मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करो ये गलत बात है। तो गलत बात ना करिए, कम से कम कुछ तो सही करिए। लगे रहिए बस कोशिश करने वालों की, कभी हार नहीं होती। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इश्तियाक मंसूरी जी और मोहम्मद अरशद राजा जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन ये राजा जी अभी अभी जुड़े हैं लग रहा है, इसलिए इनको नहीं समझ में आ रहा। शंभू का आ रहा 11 में C। अरे जी सिंपल सी बात है, इसका हो जाएगा 5। और ये 9 9 81 9 7 29 होता है, 7 7 49 7 343, इसका हो जाएगा 7। इसका आंसर आएगा 35। कितना आएगा? 35 आएगा, करके देख लेना। कितना आएगा? 35, 35 आएगा। मोहम्मद रुकनुद्दीन जी गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग, क्योंकि शाम होने वाली है ना। तो ये आपका 3 का B खत्म हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT मैथ में कक्षा 8, यानी कि 8 ग्रेड की मैथ। पर थोड़ा सा चमकता है यार, कहाँ से चमकता है आज तक मैं समझ नहीं पाया। ये मोबाइल से ही आता है, कहीं और से आता है, यहाँ से इधर से कुछ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है। छोड़िए, जाने दीजिए। एक्सरसाइज 3 का C, नया अभ्यास शुरू हो रहा है। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर करके आइए तुरंत। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे शेयर करिए, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए जो भी आपके पास ग्रुप हैं। ये बिल्कुल फ्री वाली क्लास है। निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? घनमूल लिखिए। पहला लेकिन आप सोच रहे होंगे फिर घनमूल? नहीं, ये अलग है। ये अलग है। पहला सवाल है 729 बटा 1331। कोई बताएगा इसका उत्तर कितना आएगा? जो बताएगा वो सबसे अच्छा कहलाएगा। निक्कू का बोलते हैं उसे, अच्छे बच्चे ना। बोलिए क्या आएगा इसका आंसर? कोई बताएगा? कोशिश करिए, देखते हैं कौन कौन बता लेते हैं। अच्छा, 4 PM के बाद होगा। गुड इवनिंग, वही दोपहर हो रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं फिलहाल, बस बोलते रहते हैं इसे। बताइए जल्दी से, बोलिए, थोड़ा सा रुकिएगा, 2 मिनट बस।
हो गया, चलें आगे। मोहम्मद शरीक जी, आप लेट हो गए हैं। लेट नहीं हुए, आप बहुत अच्छे टाइम पे आए। चलिए, अभी नया नया स्टार्ट हुआ ये। इसमें आप इसका गुणनखंड करोगे एक एक नंबर का, ठीक ना? 729 का गुणनखंड करोगे। आप सभी जानते हो 9×9=81, 729 होता है ना, मतलब कि इसको 9×9×9 लिख सकते हो। 1331 को आप लिख सकते हो 11×11×11 लिख सकते हो ना। यानी कि यहाँ पर अगर आप पेयर बनाओगे तो एक पेयर यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, फाइनल में 9/11 आएगा। कितना आएगा? 9×11। समझ में आया? आया कि नहीं आया? देखिए, पहला नंबर तो आपको जीरो लेवल की मैथ शुरू से देखना है। अगर नहीं समझ में आया तो, अगर आप शुरू से देखोगे तो पक्का आएगा, और अगर बीच कूद से शुरू करोगे तो फिर आएगा कि ना आएगा आप जानिए आपका काम। चलिए, ये पहला हो गया। इस तरह का कोई भी सवाल है आप लोग कर ले जाओगे। एक और देते हैं, 1728/525। कुमारी उमा जी, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा, सभी को आएगा। अगला बताइए, अंडर रूट 512/3375 पहले यही कर दें। चलिए, अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट। जवाब दीजिए, इसका क्या आएगा, कितना आएगा, कोई बता लेगा? गुणनखंड करना आता है अगर आपको, फैक्टर निकालना आता है तो आप कर ले जाओगे, अगर नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं। देखिए, 512 का पहला नंबर तो आपको कुछ याद होना चाहिए। 512 का आप लोगों को याद होगा, इसका 8 होता है। बोलो, होता है ना? क्योंकि 8 का घन 512 होता है। लेकिन झंझट है 3375 का, मुझे नहीं याद कितने का है। अब हो सकता है आपको याद हो, तो चलिए हम इसका इधर गुणनखंड कर लेते हैं 3375 का। देखिए, एक विषम संख्या है तो विषम से ही कटेगी, 3 से काट देंगे। देखिए, 3 से कट भी जाएगा। गुणनखंड ना आएगा तो बताना। देखिए, यहाँ पर अगर आप एक बात ध्यान दीजिए तो 5-5 का एक पेयर बन गया, एक 3-3 का बन गया, मतलब कितना आ गया, 3×5=15। और इसका निकालोगे तो आपको याद होना चाहिए 8 आएगा, और इसका आ गया 15। यानी कि जो 15 का घन है वो होता है 3375। अब बात समझ में आई? इसका आंसर तो हो गया 8/15। देखिए साथियों, इसी तरह के हम अकेले क्लास को रिकॉर्ड करते रहते हैं जब उस समय कोई नहीं देखता है। अगर हम यही क्लास को लाइव में रिकॉर्ड करते हैं तो आप लोग तुरंत तुरंत देख लेते हो। जितेंद्र जी बताइए, आप नए नए जुड़े हैं या फिर पुराने खिलाड़ी हैं? बोलिए, नए नए जुड़े हैं क्या आप? और हाँ, जो भी फ्रेंड्स इस समय नए जुड़े हैं वो PVR स्टडी को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ठीक ना, जिससे उन्हें मैथ सीखने में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। बेल आइकन जानते हैं ना, घंटी की बटन जो होती बगल में। अब देखेंगे दशमलव संख्याओं के घनमूल, एक्सरसाइज 3C, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दशमलव संख्याओं के घनमूल, रियासत हुसैन जी। हुसैन साहब बताइए कैसे हैं?
सी का सवाल नंबर दूसरा है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। ज़्यादा बोलेंगे नहीं हम। क्या करना है, घनमूल निकालना है। पहला क्वेश्चन है 1.331, कौन बता लेगा इसका घनमूल? 1.331 इसका घनमूल बताना है, ये तीन घात वाला। बताइए, ऑप्शन नंबर पहला है इसका 13 आएगा, दूसरा है 11/10 आएगा, तीसरा है 1.1 आएगा, और चौथा है बी एंड सी दोनों सही। देखते हैं कौन कौन सही बताता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नांकित दशमलव संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। मोहम्मद रुकनुद्दीन जी, आपको लाइव क्लास नहीं मिल पाती है? काहे नहीं मिल पाती है भाई, आपसे कोई दुश्मनी है का? देखिए, ये अगर ऑप्शन नंबर की बात करें तो डी वाला सही है, बी और सी दोनों सही है। कैसे सही है, क्यों सही है, अब उसको देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, दशमलव हटाएंगे अगर हम तो क्या बनेगा? अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ये बन जाएगा क्या? रुक जा यार भाई, देखते हैं क्या बनेगा। ये देखो, इधर यहाँ पे और भी तो झंझट रहता है ना मेरे जान के लिए। दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1331/1000, हो जाएगा ना? अब हम नहीं बताने वाले हैं ज़्यादा यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि हमने बहुत बार बताया है कि याद कर लो बाबू, याद कर लो भैया, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो ना। 1331 का जो घनमूल होता है वो 11 होता है, और 1000 का घनमूल 10 होता है। इस तरह से इसका उत्तर हो गया 11/10। अगर इसको भाग करोगे तो इसको लिख सकते हो 1.1। क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, काहे होता है, ये सब हम कक्षा 8 में पहुंच चुके हैं, कक्षा 1 से पढ़ा रहे हैं, समझ गए होंगे आप। हाँ, फिर भी अगर किसी को कोई विशेष समस्या है तो बताइए। मोबाइल में एकदम अच्छा दिख रहा है, हम बार बार यहाँ पर आकर देखने की कोशिश करते हैं, जो आपके सामने से भागते हैं ना, हम खुद देख रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, हो गया। चलिए, दशमलव संख्याओं का घनमूल हम लोग पढ़ रहे हैं, घनमूल वो भी दशमलव में। अगला है 42.875, 42.875 इसका घनमूल कोई बताएगा? बराबर करके इस पर क्या लगा लो, घन का निशान 42.875। ए जी, एक बात ध्यान देना आप लोग, इसको 42.875 नहीं पढ़ेंगे, 42.875 कभी नहीं पढ़ोगे, नहीं तो गलत माना जाएगा, सब चौपट हो जाएगा, ठीक ना? इसको पढ़ेंगे 42.875, समझ गए? दशमलव के बाद कभी भी उसको इकाई दहाई सैकड़ा में मिला के नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक नहीं होती है। किसी को कोई समस्या है तो बताइए, एकदम मस्त दिख रहा है। आवाज भी अच्छी है, समझ में भी आ रहा है, चलिए। तो इसको जब दशमलव हम हटाएंगे, 1, 2, 3 अंक पर दशमलव है, तो आप जानते हो ये हो जाएगा
42, 875 नीचे 1000, बोलो हो जाएगा ना, कर लोगे। अब ये बन गया 42,875, आप बोल सकते हो। अब इसका हमें फैक्टर निकाल लेना है, जो भी आएगा उसको लिख देना है। तो चलिए हम कर लेते हैं 42,875 के गुणनखंड। चूंकि ये लास्ट में 5 है, इसलिए संख्या 3 से कटेगी या 5 से कटेगी, 2 से तो कतई ना कटेगी। क्यों ना कटेगी? क्योंकि ये विषम संख्या है प्रथम दृष्टया, और विषम संख्या कभी सम संख्या से नहीं कटती है, इसलिए 2 से नहीं ट्राई करेंगे। हाँ, ये 3 से कट सकती है। 3 से कब कटती है संख्याएं? विभाज्यता नियम पढ़ा होगा, जब दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होता है तो संख्याएं भी 3 से विभाज्य होती हैं। तो कई कारण हैं, कई वजह है कटने की या ना कटने की, देखिएगा। तो ये 3 से कटेगा, देखो, 4 2 6 6, 8 14, 14 में जोड़ेंगे 12, हो जाएगा 26। 3 से कतई ना कटेगा, ये 3 से ना कटेगा, काट के देख लो। चाहे 3 एकम 3, 3 6 12, 3 दूना 6, 3 9 27, ना कटेगा। 5 से कटेगा ये, 5 8 40, बचेगा 2, हो जाएगा 28, और 5 25 ये 35 हो जाएगा, 5 7 35, 5 25 जी। किसको किसको गुणनखंड करना नहीं आता, कमेंट करते रहिए जिनको गुणनखंड नहीं आता, जिससे हम थोड़ा और विस्तार से बताएं। नहीं बोलोगे तो फिर हम लगाते चले जाएंगे, हम समझ लेंगे आपको आ रहा है। फिर 5 एकम 5, और ये 5 7 35, और ये 5 एकम 5, 2 बचेगा 5 25, ठीक ना। फिर 5 से काटोगे, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 6 20, 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 5 3 15। 7 से काटोगे, 7 6 28, ये लो हो गया। हो गया ना सब? मिस्टर प्रभात जी, गुड आफ्टरनून, और बताइए कैसे हैं आप सभी? बहुत पुराने दर्शक हैं, श्रोता हैं, स्टूडेंट हैं, क्या बोलें। तो ये इस तरह से अगर इसका 3 3 का फैक्टर बनाएंगे तो देखिए, 5 5 का 1 जोड़ा बन गया, 7 7 का 1 बन गया। कुल मिला करके जो इसका फाइनल में आंसर आया वो 5 7 35 आया। कितना आया? 35। यानी कि 42,875 का क्या हो गया? 35। और 1000 को तो आप जानते हो, उसमें बताना नहीं है, 1000 का 10 होता है। इस तरह से ये 35/10 इसका उत्तर हो गया। और अगर आप इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, कोई बताएगा? दशमलव में बदल सकते हैं ना, दशमलव में बदलेंगे तो ये 3.5 आएगा। कितना आएगा? 3.5। तो ये हो गया, इस तरह से खत्म हो गया। आप सभी को बता दें, आज पीवीआर स्टडी में लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया से, सभी चैनल के माध्यम से। मैथ आसान है, पीवीआर स्टडी इलाहाबाद, पीवीआर स्टडी ग्रुप। लेकिन इसमें जैसे अभी एक कमेंट आया जिसकी मुझे याद है, लगभग शायद जब पिछली साल माघ मेला था कुंभ में, मतलब वो जो सर्दी वाला होता है हर साल, वहीं पर हम लोग गए थे। तब सर ने बातचीत किया था, इन्होंने कॉल किया था, तब से ये लोग क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं। और आज इन्हीं सभी पुराने जो भी छात्र छात्राएं जुड़े हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज इन्हीं लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से पीवीआर स्टडी ऑल इंडिया में फेमस और मशहूर हो चुका है ना। तो बस इसी तरह से बने रहिएगा, हमारी कोशिश जो है दिन प्रतिदिन आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की होगी। अब 2 हमने करवा दिए, अब 2 आप खुद से करोगे। एक बात आपको बता दें, बहुत बड़ी बात जो कोई बताता नहीं, अगर आप 4 घंटे कोचिंग पढ़ते हो कहीं भी, और फिर अगर आप घर पर भी 4 घंटे नहीं, क्या कम से कम 6 घंटे नहीं पढ़ते हो, तो आपका कोचिंग पढ़ना बेकार है। बेकार मतलब खराब है, बिना मतलब का है, ठीक ना। तो जितना देर आप कहीं कोचिंग या ट्यूशन पढ़िए, उतना देर या उसका 2 गुना टाइम आप घर पर खुद के लिए निकालिए, तब तो वो पढ़ना सही है, सार्थक है, नहीं तो कोई मतलब का नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, कोचिंग कई जगह लगा लेते हैं, एक ही जगह नहीं, एक जगह इंडिविजुअल मैथ लगा लिए,
एक जगह इंडिविजुअल इंग्लिश लगा लिए, एक जगह रीजनिंग लगा लिए, फिर क्या कहते हैं धोबी का गधा बन जाते हैं, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ भाग भाग दौड़ते रहते हैं। लास्ट में क्या होता है, घर पे आते हैं किताब कापी नहीं खुलती, अगर बत्ती जला के रख देते हैं बस पूजा करके, फिर क्या होता है, कुछ होता हो आता नहीं, कहते हैं तो हो ही नहीं रहा, कुछ निकल ही नहीं रहा है, सब सिस्टम है खराब है। बात समझ रहे ना, तो ट्यूशन कोचिंग में कोई कुछ घोल के पिलाता नहीं है, अगर आप खुद से कोशिश ना करोगे तो कहीं कोई कुछ नहीं आपको बना सकता है ना आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से कोशिश करोगे तो बिना ट्यूशन कोचिंग के, बिना कहीं कुछ स्पेशल किए भी आप बन सकते हो। इसका क्या बताना है, क्यों बताना है, अब ये होमवर्क है, हम नहीं बताएंगे। जल्दी से बोलिए कौन कौन कर लेगा और कौन नहीं कर पाएगा, ये होमवर्क है, छोटे छोटे वर्क हम दे रहे हैं अब, क्योंकि आप लोगों की शिकायत भी होती है ना कि होमवर्क नहीं मिलता है। इसका क्यूब निकालना है और हर कोई निकालेगा, जो पढ़ना चाहता है वो निकालेगा भाई, और बाकी जो भी अच्छे लोग होंगे वो नहीं निकालेंगे। 0.00729 बताइए, कर लेंगे ना, ये क्या है, होमवर्क है आप सभी के लिए, अपने से करना इसको। तो चलिए, अभ्यास 3 का सी भी खत्म हो चुका है। कभी कभी कुछ संख्याएं कुछ अलग तरह की आती हैं, उनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, तो उनको भी हम आपको बता देते हैं। लक्ष्य स्टडी जी, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें और लोगों को भी खुश करते रहें। चलिए, इन्हीं कामनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, वो बात सुना है आपने, खाली मन शैतान का अड्डा। अगर आप खाली बैठे हैं ना तो आपके दिमाग में बहुत सारी खुरपेच आती रहेगी, और अगर आप बिजी हैं अपने काम में ना तो शायद ही नहीं आएंगी। देखिए, कुछ संख्याएं जो डायरेक्ट दिखती नहीं है, होती कुछ और है, दिखती कुछ और है, उनका घनमूल कैसे करते हैं। जैसे ये 3 सही 3/8 दिख रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा ये क्या है ना, इसका घनमूल क्या होगा, कैसे करेंगे, कोई बताए। देखिए, ये नंबर अगर एक प्रकार से हम देखें तो, थोड़ा सा रुकिएगा फिर मैं बता रहा हूँ। तो ये नंबर अगर हम देखें तो ये 8 3 24 3 हो जाएगा 27, ये 27/8 है, अब तो बहुत आसान हो जाएगा। ये 27/8 का क्या बताना है, घनमूल बता लोगे ना, 3 3 9 3 27, 27 का घनमूल 3 होता है और 8 का घनमूल 2 होता है, ये तो याद रहना चाहिए, छोटी छोटी बातें बताओ, याद रहनी चाहिए कि नहीं, याद रहनी चाहिए ना। कुछ लोग तो यार देखते रहते हैं, बोलबे नहीं करते हैं, चुपचाप मन सन्न रहते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना डिसलाइक करते हैं, कोई जवाब नहीं देते, बस वैसे चुपचाप देखते रहते हैं। ए सिंह जी जुड़ गए हैं, कृपा करके आप दया करिए और अपनी पूरा नाम बताया, क्या नाम है आपका। एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल तो हमने बताया है आपको। चलिए बताइए, ए सिंह मतलब अंकिता सिंह। देखिए, यहाँ पर हम ज़्यादा समझदार नहीं हैं, अगर आप लोग शॉर्टकट में कोई कमेंट करेंगे तो फिर मुझे समझ में नहीं आता। लिखिए सवाल नंबर 6, एक घनाकार कंपोस्ट खाद, अभी इसके बारे में बात करेंगे, पहले लिख लीजिए,
क्या है? कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन दिया है। कितना है? 13.824 m³। है तो गड्ढे की गहराई बताइए, देखते हैं कौन कौन बता लेता है। बताइए, कोई बता लेगा? कोशिश करिए। घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे। देखिए, कंपोस्ट खाद का मतलब हम आपको बता दें, कुछ लोगों को देखिए जब तक मतलब सवाल करना समझ में आएगा ना, तब तक उत्तर ना आएगा। कंपोस्ट खाद के गड्ढे का मतलब ये है साथियों, जैसे गांव में आपने देखा होगा जहां पर गाय भैंस होती है, उनके जो गोबर होते हैं ना, उनको एक गड्ढा बना करके उसमें ले जाके इकट्ठा करते हैं। उसमें कुछ जो भी चारा पानी होता है, भूसा चोकर खरी जो बचता है, मतलब जो भी जानवरों के खाने से बचता है, या फिर एक प्रकार से जो चारा वगैरह बच जाता है, उसको सबको भी उसी में डालते रहते हैं। घास फूस सब डाल करके क्या करते हैं, उसी में ढक देते हैं, तो सड़ करके क्या बनता है, बहुत ही उर्वरकशील खाद बनती है, जो कि धरती की मतलब जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाती है। बाकी आजकल तो रासायनिक का प्रयोग होने लगा है, यूरिया वगैरह जो आने लगे, बहुत सारे उर्वरक, उससे शरीर बन वो सॉरी शरीर मतलब नहीं, धरती की जो शरीर है वो बंजर हो जा रही, मतलब काफी नुकसान हो रहा है। तो ये सब जमाना तो बहुत पहले का है, फिलहाल अब बहुत कम लोग यूज करते हैं, सब मॉडर्न जमाने में जा रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है, घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन बताना है, जिसकी क्या दिया गया है, आयतन दिया है और गहराई बताना है। ये है घनाकार। अब घनाकार की बात हो रही थी, यहां पे एक घन भी बनना चाहिए। ये देखिए, ये क्या है, हमने बना दिया गड्ढा, कंपोस्ट खाद का गड्ढा। अब इसमें समझ में आ रहा होगा ना, 3D चित्र बना हुआ है। इसका आयतन दिया है कितना है, 13.824 m³। आप जानते हो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजंगघात 3। पढ़े हो कि नहीं, यही तो होता है, यही तो होता है। यहाँ पर भुजा क्या है, भुजा यहाँ पर गहराई है उसकी, तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर ऊंचाई घात 3, या फिर भुजंगघात 3, जो भी समझिए। यहाँ पर हमारी जो ऊंचाई दी गई है, भुजा दी गई है, उसी को हमें निकालना है। तो साथियों, आयतन दिया है 13.824 और ये भुजा घात 3, ये वही रहेगा, इस पे कुछ ना बदलेगा। अब क्या करेंगे, उधर का घात 3 हटेगा तो इधर लग जाएगा क्यूब रूट और ये हो जाएगा भुजा। गहराई निकालिए, गहराई मतलब वही उसकी भुजा, मतलब कितना गहरा है ये, ठीक। बस निकाल लीजिए, 13.824 का घनमूल निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कौन कौन कर लेगा? मार्कर में थोड़ा इंक डाल दें क्या, बहुत हल्का चल रहा है। निकाल के बताइए, तब तक हम मार्कर में इंक डालते हैं। देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 13.824 का घनमूल बताना है, बाकी मतलब आप समझ गए होंगे। तेरह दशमलव आठ दो चार कोशिश करिए, बताइए निकाल के, तब तक हम थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। जल्दी बोलिए, बैठिए मत। और हाँ, जो भी क्लास में जुड़ा करे ना, वो कॉपी और पेपर लेके बैठा करे, ये नहीं ऐसे चुपचाप नहीं। यहाँ पर कोई मूवी शो और केसारी लाल का गाना नहीं दिखाया जाता है, ठीक ना? इसलिए अगर कॉपी पेन लेके बैठेंगे समझ में आएगा, बाकी ये पल्ले नहीं पड़ने वाला है। यहाँ रस छंद अलंकार की परिभाषा नहीं सिखाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है।
किसी का आया? अरे जी, 10 लोग में से कम कोई तो बोल दे गलत है सही। पल भर के लिए सांत्वना तो दे सकते हैं आप। कसम खा लिए हो दादा की कि ना बताएंगे, है ना? चलिए ठीक है, मत बताइए, जाने दीजिए। देखिए इसका हम लिख सकते हैं 13.8224 इसका कि निकालना है अगर घनमूल, तो ऐसे कर सकते हैं ना। फाइनल में अब हम मिटा दे रहे हैं चित्र वगैरह सब, लेकिन लगा के दिखाएंगे गहराई क्या है गड्ढे की। इसको आप कर सकते हो 13 दशमलव हटा के, दशमलव वगैरह हट जाएगा, 3 अंक पर नीचे क्या बढ़ जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा। देखो इसका तो पता है हमें घन, पर इसका नहीं पता है। चलिए इधर गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कर लेते हैं, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 2 न 4। बोलो गुणनखंड आता है? उत्तर नहीं बता सकते तो यस नो तो बोल सकते हो ना, हाँ या नहीं। देखिए कोशिश करिए, बस यही बहुत बड़ी बात है। आपको आ नहीं रहा है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। नहीं आता तभी तो पढ़ने आए हैं ना, अगर आता होता तो पढ़ते क्यों? देखिए हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुणनखंड। नहीं आएगा तो बताना। 2 4 8, 2 3 6, 2 2 न 4। बहुत लंबा जा रहा है ये। कितना आया? 54 आया है। अभी इधर भी कर देते हैं, जो भी आया इधर साइड में जगह है तो इधर कर देते हैं। 54 आया, इसको फिर से काटते हैं। 2 से काटेंगे 27 आ गया, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 3 का 9 3। देखो हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे? अब जोड़ा बना लीजिए, पेयर बना लीजिए, आंसर आ गया। देखो यहाँ 2 2 का 1 पेयर बन रहा है, ये दूसरा पेयर बन गया, और 2 बार 2 यहाँ है ना, 1 बार यहाँ मिलके 3 पेयर बन गया, और 3 3 का 1 बन गया। फाइनल में क्या क्या मिला? ये 2 मिला 1, 2 थी 2 मिला, 3 थी 2 मिला, और 1 3 मिला। इतना मिला ना, 2 2 न 4 2 न 8 3 24, यानी कि ये 24 हो गया इसका घनमूल, और 1000 का हर कोई जानता है 10 होगा। बोलो होगा ना? कितना आएगा फाइनल में? 2.4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्यूब रूट 13.824 इसका जो उत्तर है वो 2.4 आया। जिसके ना समझ में आया वो नो बोले जल्दी से, और जिसको समझ में आया वो जल्दी से क्लास को लाइक करे, तुरंत तुरंत क्लास को लाइक करिए। कि आपका सवाल नंबर जो है ना, हाँ क्या था यार उसका, घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन दिया था ना, यानी कि गड्ढे की गहराई 2.4 मीटर थी। कितना थी? मीटर थी, क्योंकि उसका आयतन मीटर क्यूब में दिया था। बात समझ में आई ना? घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का जो क्या थी, ऊंचाई थी या गहराई थी, वो 2.4 मीटर थी। 7वां नंबर सवाल खुद से कर लोगे, इसमें से लगभग चीजें खत्म हो गई हैं। अब हम चलेंगे अभ्यास 3 का D। 3 का D जो है इसमें का लास्ट अभ्यास है, इसके बाद शुरू होगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स सर्वसमिका। सौरभ जी,
तमन्ना निषाद, मुझे घनमूल समझ में नहीं आ रहा है। सौरभ पनवार जी, आप क्लास को थोड़ा पीछे करके फिर से देखिए, क्लास को पीछे करके फिर से देखिए, आएगा। इसमें से कोई कक्षा 8 में भी है क्या? नहीं है कोई? चलिए ठीक है, बेसिक क्वेश्चन अगर आप सीखना चाहते हैं तो पीबीआर स्टडी आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, पूरे लाखों स्टूडेंट के साथ। सर्वसमिका कब करवाएंगे? सर्वसमिका हो चुका है, अभी नया चैप्टर शुरू होने वाला, लेकिन इसका फिर देखिए, पहला नंबर तो जिनका नाम किसी गर्ल या बॉयज के नाम से आएगा हम उन्हीं का कमेंट पढ़ेंगे, बाकी बहुत से लोग का अजीब अजीब सा नाम आता है जो कि कोई नाम नहीं होता, उनको हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक ना? तो बिना नाम के हम बता दें, एक अज्ञात लोगों ने पूछा हुआ है कि समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी कक्षा 10 की ख़त्म हो गई है। अगर आपने क्लास को ज्वाइन किया तो देख लिए होंगे, नहीं किया तो कर लीजिए। दूसरी बात, ये 3 का D अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? या फिर वो लोग अपना नाम कमेंट करें, हर बार जितनी बार कुछ भी लिखें उतना बार अपना नाम लिखें साथ में। जिन लोग का कमेंट नाम से नहीं आता है वो हर बार क्या करें, अपना नाम लिखें, कोई भी कमेंट करें, तब तभी हम बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो देखिए साथियों, जो 3 का D है अगला अभ्यास, वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल को ध्यान से सुनना, फिर उत्तर उसका समझना। चलिए, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक ताह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं, प्रत्येक पंक्ति की ताह में उतने ही सेब हैं जितनी उस ताह में पंक्तियां बनाई गई हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों, तो प्रत्येक तह में कुल कितने सेब रखे गए हैं? देखिए, ये बड़े बड़े सवाल हैं, इनको हम वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको देंगे। अगर हम सवाल लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक ना? साहेब कुमार जी, पेड क्लास और फ्री क्लास में हमारे यहाँ कोई अंतर नहीं होता है, ठीक ना? हमारे यहाँ पेड और फ्री में कोई अंतर नहीं होता है, उसमें जो अंतर होता है वो आप समझ सकते हैं, बहुत थोड़ा सा होता है बस। हाँ, तो साथियों आपको बता दें, इसको हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देंगे। अगर हम सवाल लिखेंगे तो बड़े बड़े सवाल हैं, लिखने में लगेगा 2-2 मिनट, आप लोग कहोगे क्वेश्चन छाप रहे हैं, ठीक ना? तो बाकी ये सब हो चुका है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और तो बताइए। हाँ, दक्षता अभ्यास का बता सकते हैं, दक्षता अभ्यास में ले देख लीजिए। यक्ष का मान ज्ञात कीजिए, यदि यक्ष का मान ज्ञात कीजिए यदि 10 का घात 3 प्लस यक्ष का घात 3 बराबर 1 का घात 3 प्लस 12 घात 3 हो। बताओ इसमें से यक्ष का मान कोई बता लेगा कितना आएगा? कोई तो बताए, कोई तो बताए। हाँ देखिए साहेब जी, मैं आपको बता दूं, पेड और फ्री वाला जो मामला है, अगर आप पेड करते हैं तो आपको किसी भी कोर्स का कंप्लीट सलूशन मिलता है, अगर आप नहीं करते हैं तो यूट्यूब पर मात्र कुछ ही क्लास मिलती है, बस यही अंतर होता है, ठीक ना? बाकी कोई अंतर नहीं होता है। तो मिस्टर अनिकेत जी,
अनिकेत जी जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, नंबर एक पर इनकी समस्या थी, सबसे बड़ी कक्षा 8 की मैथ इनको खत्म करना है जल्दी से जल्दी, हमारे पास कंप्लेन आ रही थी। दूसरा नंबर पर सुधांशु चतुर्वेदी जी हैं जो कि आगरा से हैं। तीसरा नंबर पर जो नाम है यहाँ पर वो हैं लक्ष्मी नारायण जी और सुनीता श्रावस्ती से हैं। उसके बाद शिवानी मंगलम और भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 8 का मैथ जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनको बता दें उनका 3 वाला चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया, अब नया चैप्टर शुरू होगा अगला अगली क्लास में, ठीक ना? अगला चैप्टर अगली क्लास में, टेंशन मत लीजिए, उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा आपको, देखते रहिए बस आप। इसका अगर मान की बात करें तो 1000 हो जाएगा यक्स का क्यूब, ये 1 हो जाएगा प्लस 12 बराबर में 144, इसका गुणा करोगे तो हमारे समझ से 1728 आएगा। 12 चौक 48, 4 बावन, 12 कम 12, 5 17। यक्स का क्यूब बराबर ये हो जाएगा 1729 माइनस 1000, तो यक्स का क्यूब बराबर हो जाएगा 729। यक्स बराबर हो जाएगा 9×81 729। कितना आ गया? 9। कितना आया? 9, ठीक ना? बात समझ में आया? यानी कि अगर इस तरह से दिया, इसमें x का मान पूछा है, तो इसका मान क्या आएगा? 9 आएगा। नोट कर लीजिए। रुकनुद्दीन जी देखिए, जो क्लास है सीटेट की ना, सुबह 7 बजे से होती है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है जिस वजह से नहीं हो रही थी, तो वो सारी समस्याएं बस हमारी जो हैं वो दूर होने वाली हैं और हो गई हैं। दिवाली पर भी आपकी क्लास कोई भी बंद नहीं रहेगी, कोई भी क्लास बंद नहीं रहेगी, दिवाली हम लोग ऑनलाइन में ही रहेंगे, बस इसी में दिवाली मनाएंगे, क्योंकि कोर्स आपका हमें पूरा करना है, जल्दी से जल्दी करना है। हाँ, तो अब ये क्लास ख़त्म हो गई, जिनको